शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्ता बन भाई और बहन, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में और उन्होंने जितनी प्रताना सही, जितनी गालियां सुनी, रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र है थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो और दूसरे पुत्र को राम। आप देख रहे हैं केवल सच। कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी कार्यक्रम में बोले राजद सुप्रीमो लालू यादव, भारत रत्न देने वालों को इतने दिन से कर्पूरी ठाकुर की याद नहीं आई, चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी वालों को कर्पूरी की याद आई है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के हकदार थे, तेजस्वी के साथ लालू यादव की भी बड़ी मांग, काशीराम और लोहिया को भी मिले भारत रत्न, लालू का बीजेपी पर निशाना, लालू ने कहा बिहार में महागठबंधन और इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगे हैं, यह सब होते रहेगा, इसका परवाह नहीं करना है, लोगों को पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और लालू ने कसा तंज, काशीराम ने दलितों के मसीहा लेकिन मायावती ने दलितों को डुबोया। मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री नेतागण पदाधिकारीगण, हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण भाई और बहन, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियां सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकल पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन चंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफी प्रताड़ना ये सब चीज सुनकर, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का, मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले, बहुत सख्त बीमार हो गए थे, उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था, हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था एक गाड़ी, वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया,
और ड्राइवर भी नहीं था उस समय, और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा वो बिल्कुल दूध जैसा था, नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने कर्पूर जी क्या हो गया, कर्पूर जी वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ। बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र है थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को राम वीरेंद्र को कहा कि भाई उत्तर व तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हैं। पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया, बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी। चारों तरफ उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेढ़ बजे को, और गोद से डेढ़ बजे को कभी भी नहीं था, और हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बड़ी दूसरी तरफ बांस घाट में गाड़ी में ले करके लाश को, और हम लोग पहुंचे मैं जानता हूं कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखुल ठाकुर जी के परिवार में, मैं उनके घर भेज गया था देखने के लिए पहले कैसे रहते हैं नेताजी घर लोग कहाँ रहते हैं। उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था। सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे कि सत्तू घोर के हमको पिलाई, सत्तू घुराता था। फिर गाय भी रखे हुए थे हम, गाय भी कभी, और ये कहां से एक आदमी लग गया था पीछे, उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे तो कहां गया भागा। एक्सरसाइज था वो जो सिखाया, कहां से
नाम मैं उसको बोल रहा हूँ। उसके बाद से उसको हम लोग चहका वहां से उनसे फिर छोड़ा है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल बारी सिद्दीकी तो उनके एक तरह से पीए के तरह ही थे, क्लर्क के तरह ही थे। कागज पत्र जितना जो भी आता था टूट से लेके आते थे, कर्पूरी देते थे कि शॉर्ट आउट करके रखते थे।